हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैदराबादी पसंदे बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस गोश्त लिया है। इसके पीसेस बिल्कुल चपटे लेने हैं हमें और उसे भी हम बेलन से और प्रेस करके चपटा कर लेंगे ताकि ये मसालों को बहुत अच्छे से सोख कर लें। सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें डालना है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और अगर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो पसंदों का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब डालेंगे हम 1.5 किलो दही और 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमें लेना है 30 ग्राम चिरौंजी, 30 ग्राम बादाम, 40 ग्राम हम मूँगफली लेंगे और 70 ग्राम हम घिसा हुआ खोपरा लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग से भून लेंगे। फली को साफ़ कर लेना है हमें और इसके बाद हम सभी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छी बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब पैन में 2 प्याज को स्लाइस करके हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। प्याज को बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा तेल कम करके हम इसमें जो मसाला हमने अभी पीसा है उसे डालेंगे और इसकी कच्ची स्मेल जाने तक हमें इसे भूनना है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ गोश्त मिलाएंगे, 1 कप पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करके इसे ढक देंगे ताकि गोश्त आसानी से गल जाए। गोश्त के हमने पीसेस बिल्कुल पतले लिए हैं तो ये भगोने में भी बहुत आसानी से गल जाएगा। अगर आप गोश्त को कुकर में गलाना चाहते हैं तो इसे 2 सीटी आने तक गलाएं और उसके बाद जो पेस्ट हमने की है उसके साथ भुने। इस रेसिपी में मैंने हल्दी को स्किप किया है ताकि पसंदों का कलर अच्छा लाल रहे। गोश्त अच्छे से गल चुका है, तेल भी अलग हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, और आप सिर्फ और सिर्फ हैदराबादी गरम मसाला यूज़ करें। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। अब जो प्याज हमने तली थी उसे हाथ से बारीक करके हम इस पे डालेंगे। मिक्सी में हमें इसे बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है। अब 1 कप पानी डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालना है हमें, साथ में 2 हरी मिर्चों को हम स्लिट करके इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है और ढककर 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे और गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। हमारे पसंदे रेडी हैं। आप इसे पराठे के साथ खाएं, बहुत लजीज है। तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं खुद आपसे कनेक्ट हूँ।